जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। जय जवान, जय किसान, राम 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 सेठ जी से राम राम। आजकल होती रहती किसान भाइयों की आवक का क्या लग रहा है आपने? एक अंदाज 80 के आसपास तो होगी? नहीं, 60 तो कल ही थी यार, क्योंकि आज देखो ना उधर साइड भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। 70,000 तक है इससे ऊपर भी। 70 के आसपास, मतलब कल से थोड़ी सी आवक ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादा दिख रही है। हाँ। और वैसे भी कल भी बात हुई थी अपनी, तो अब धीरे धीरे आवक के भी देने के बढ़ने की संभावना। लोगों क्या लोगों को सोयाबीन कट रही है, उनको रखने के लिए जगह चाहिए तो निकालेंगे, वो रख रखे प्याज की उम्र भी खत्म हो गई। उम्र भी खत्म हो रही है, दागी भी होगी रखे रखे, दागी भी, और नया प्याज भी हो, दो बार तो आ गया। हाँ, और आ जाएगा अभी आप देखो, 4-5 दिन में चालू हो जाएगी प्याज अच्छी नई वाली। और मतलब अच्छी कैटेगरी वाली तो दशहरा तक मान लें। हाँ, दशहरा के पहले नवरात्र में आ जाएगी, नवरात्र में नई प्याज आ जाएगी, बढ़िया प्याज आएगी अच्छी। आप जो जिन किसान भाइयों के साथ देखो, अपन तो केवल राय दे सकते हैं। हाँ, बाकी तो करना नहीं करना उनके हाथ में, उनको क्या करना। अच्छा, नवरात्र में मेरे को लगता है पंजाब में क्या लोग माता बहुत पूछते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ प्याज नहीं खाते, हो सकता है कि प्याज में कुछ नरम हो जाए 1,000 रुपया नवरात्र में। अच्छा, जैसे अपन तो एक सजेशन, एक राय दे सकते हैं किसान कि मैं अगर आपसे बोलूँ आप राय क्या देना चाहेंगे, जैसे नई प्याज आ रही है और उनके पास मान लो किसी को 800 कट्टे पड़े, किसी को 500 कट्टे पड़े, निकालना चाहिए? निकालना चाहिए ना, बिल्कुल रोकना नहीं, क्योंकि आप रोकने की, क्योंकि कोई कंडीशन सामने से दिख नहीं रही है, भाव बढ़े, अब उसकी रुकने की सीमा खत्म हो गई, सीमा भी खत्म हो गई, और नया प्याज भी आ जाएगा, नया प्याज भी आ जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आवक कहीं ना कहीं वापस मेंटेन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। स्टॉक अभी काफ़ी बड़ा है बता रहे हैं। हाँ, किसानों के पास नहीं पर दूसरों के पास बहुत सारा जो खरीद के रखते हैं उनके पास भी बड़ा है। नासिक में भी बहुत तगड़ा स्टॉक पड़ा है, क्योंकि वो बीच में मंडियाँ बंद थी ना। हाँ, तो बहुत माल रुक गया वो माल, वो कम से कम 15 दिन तो रुका। अब 15 दिन रुका मतलब अगर एवरेज भी माने 2-2.5 लाख कट्टे हर दिन के रुके। हाँ, तो कम से कम कितने 30-40 लाख कट्टे भी मतलब उस समय रुक गए थे। बिल्कुल रुक गए, वो तो अब निकलेंगे। तो किसान भाइयों, पहले भी हमने आपको बोला था कि जो नया प्याज आया तो अब आप क्या करो, धीरे धीरे अपने प्याज को निकाल दो, क्योंकि देखो भाव का है कि अब कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि 40 जाएगा 50 जाएगा, ऐसा नहीं, तो कोई आसार नहीं, बिल्कुल आसार खत्म हो गए, क्योंकि वो आसार दिख नहीं रहे हैं। बाकी तो आपका आपका माल है, आपकी मर्जी, हमारा काम आपको सिर्फ सजेशन देना है, बेचना या ना बेचना वो तो आपके हाथ में, तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग तो सेठ लोग और इनसे बातें करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि इतने सालों का इनका एक्सपीरियंस है, तो क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, वो सारी बातें हैं, तो मानना या ना मानना हो तो आप लोगों के हाथ में, क्यों क्यों मानिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया, भाई साहब अगर आज मैं बात करूँ तो यार आज आवकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रही है हम लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कल तक खाली पड़ी हुई थी इस जगह पर, और उधर भी कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है। और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये थैले पे भी लदे हुए हैं अभी तो आज, और उसके अलावा इधर आगे देखो, आज थप्पियाँ जो है वो प्याज की थप्पियाँ भी बड़ी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब आज आवक ज़्यादा तो है। अब हम लोग जानते हैं व्यापारी भाइयों से आखिर आवक है क्या वास्तविक, और वास्तविक आवक तो सीधी सी बात है किसान भाइयों कि कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है आज आवक ज़्यादा है, ये मान के चलो आज 80,000 के आसपास कट्टे होने तो चाहिए भाई, क्योंकि आज वास्तविकता में जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंडीशन दिख रही, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कल की बात कर रहा हूँ। उधर आप लास्ट में देखेंगे तो उस साइड हालांकि लहसुन दिख रही होगी आपको बहुत सारी जगह, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे प्याज ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या आवक क्या लग रही है आज? 70-80 हज़ार के आसपास तो दिख लग रही है, होगी इतनी? हाँ, इतनी इतनी होगी, इतनी तो होगी कम से कम।